दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे कासिम मोटर यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में मोटरसाइकिल से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है, चाहे वो सर्विस की हो या फिर न्यू बाइक की हो या फिर रिपेयरिंग की हो। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, बाइक में जो स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं वो स्पेयर पार्ट्स काम कैसे करता है और स्पेयर पार्ट्स का नाम क्या है, और अगर वो स्पेयर पार्ट्स ख़राब हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा स्पेयर पार्ट्स ख़राब है या नहीं है, वो सारी जानकारी हम देने वाले इस वीडियो में। उससे क्या नुकसान होने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को जरूर दबाइए। मैं हूं कासिम मोटो झारखंड के गुड्डा नरेनी से। वैसे अभी हमारे पास जो गाड़ी खड़ी हुई है सामने, ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक, जिसे हम FI बोलते हैं। ये 2021 का मॉडल है और 2020 में हालांकि निकली थी, मैंने 2021 में इसे निकाला है। इसमें जो कुछ बदलाव की गई हैं उसके बारे में आपको साथ साथ में बताऊंगा। ये जो वीडियो होगी BS4, BS3, BS6 सभी बाइक के लिए ये होने वाली है, क्योंकि सभी बाइकों में स्पेयर पार्ट्स करीब करीब एक ही लगा हुआ है। इसमें सिर्फ दो चार पार्ट ऐसे चेंज किया गया है लेकिन सब एक ही है। सबसे पहले मैं आपको बाहरी पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। इंजन की जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। जब इंजन हम खोलेंगे, फुल इंजन खोलेंगे, तो इंजन के अंदर जितने भी स्पेयर पार्ट है वो सभी पार्ट्स का हम नाम बताएंगे। बिना खोले तो हम सारी बात आपको बता नहीं सकते ना आपको दिखा सकते हैं, इसलिए मैं आपको सभी बाहर की जो पार्ट्स है वो आपको बताऊँगा, और अगर वो ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे पता करना है। तो शुरुआत हम करेंगे दोस्तों आगे से अगर हम सामने देखेंगे तो हमें साइड में दो मिरर गिलास मिल जाती है। ये दो मिरर गिलास हैं, इसे हम साइड मिरर साइड गिलास भी हम बोल सकते हैं। अगर टूट फूट जाती है तो हम दुकानों पर यही बात बोलेंगे, साइड गिलास आप दे दीजिए। इसके साथ में जो ये लगा हुआ है, ये इसे हम बोलते हैं ब्रेक योक इसे बोलते हैं। इसके साथ ब्रेक लीवर जुड़ा हुआ है, ब्रेक योक, और ये है ब्रेक लीवर। साथ में इसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो लगा हुआ है ये स्विच, इसे हम बोलते हैं ब्रेक स्विच, जो ब्रेक लाइट जलने में मदद करता है। जैसे हम ब्रेक दबाते हैं तो इसी ब्रेक स्विच के मदद से पीछे का ब्रेक लाइट जलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये वाला देखेंगे तो ये हो गया ब्रेक केबल, जब हम इसे दबाते हैं तो आगे का ब्रेक लगता है। अगर ये केबल जाम हो जाती है तो ब्रेक दबने पर आगे रिटर्न नहीं होगी और ये थोड़ा जाम टाइप का लगेगा, इससे चक्का भारी चलता है और गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस साइड में इसे बोलेंगे, इसका नाम हो जाता है थ्रोटल हम इसे बोलते हैं, एक्सीलेटर बोलते हैं। इसके साथ में यहाँ पे लगा हुआ है ये जो पार्ट है, ये सेल्फ स्विच है, इसे हम सेल्फ स्विच बोलेंगे। अगर इनमें से सेल्फ स्विच ख़राब हो जाती है तो इसके ज़रिए से सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपको लगे कि ये पार्ट अगर यहाँ से ख़राब है या नहीं है, तो इसका जो तार लगा हुआ है, ये तार जो लगा हुआ है, इस तार को वहाँ से खोल के दोनों को आपस में टच करें, या फिर इसे यहाँ से खोल के नीचे से खोल के आप भी इसे भी खोल के आप यहाँ से डायरेक्ट दोनों में टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगी ये ख़राब है या नहीं है। बाकी और भी इसकी जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा। तो ये बता दिया मैंने इधर, तो यहाँ मैंने इस साइड में राइट साइड में एक्सीलेटर के बाद जितने भी वायर होता है, जो भी चीज़ है, सारा नाम मैंने बता दिया। अब मैं क्लच के साइड में ले चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो जानकारी दोस्तों मैं इसलिए दे रहा हूँ कि भाई ने कमेंट करके बोला था कि गाड़ी के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं उसका नाम बताएँ, ठीक है। तो साथ साथ में नाम के साथ साथ उसका काम भी बताता हूँ। अगर वो पार्ट ख़राब हो जाती है तो कैसे पता लगाएंगे वो पार्ट ख़राब है या नहीं है, वो भी हम आपको साथ में बता रहे हैं। ये हो गया क्लच, ये क्लच लीवर है, ये क्लच केबल है साथ में, और ये जो स्विच लगा हुआ है, इसमें दो स्विच अगर आप देखेंगे तो ये है, जैसे हम गाड़ी को गियर में लगा कर रखते हैं और स्टार्ट करना चाहें क्लच दबा के, तो सेल्फ से स्टार्ट हो जाएगी लेकिन गियर से स्टार्ट नहीं होगी। ये सेल्फ के लिए दिया गया है, क्लच दबा के हम गाड़ी गियर में लगी हुई है क्लच दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर ऐसे स्टार्ट नहीं होता है तो इसका जो सेल्फ का स्विच है, छोटा सा स्विच होता है, वो ख़राब हो जाती है और उसे चेंज करने से ये ठीक हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्विच। यहाँ पर हाई लो बीम दोनों बटन इसमें मिल जाता है। ये इंडिकेटर स्विच है, ये हॉर्न स्विच है। इस गाड़ी में
हेडलाइट बंद करने के लिए कोई स्विच नहीं है कि यहाँ से ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी का हेडलाइट डायरेक्ट ऑन हो जाता है, ये हेडलाइट बल्ब डायरेक्ट जलने लगता है। यहाँ से सिर्फ हाई लो बीम जो हमने बोला, इसे दबाएंगे तो आगे की लाइट जलेगी, और फिर इसे दबाएंगे दोबारा बाहर निकलेगा तो ये पीछे की लाइट नीचे की लाइट जलेगी। सिर्फ ऐसे ही काम करता है, पासिंग का काम है। सिर्फ आप डायरेक्ट ऐसे दबा के रखेंगे तो ये पासिंग लाइट जलेगी, जो हाई वाली लाइट जलती है। इसे हम क्लच योक बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्लच योक बोलेंगे, जैसे कि उधर में है ब्रेक योक, इधर है क्लच योक। अब हम आगे हम बताते हैं, आगे ये है, जैसे ये हो गया, ये इसे हम इग्निशन स्विच बोलते हैं, और साथ में ये मीटर, मीटर केस है पूरा, आते कि हैंडल है, और ये हैंडल एडजस्टर हो गया, ये वाइजर हो गया, नंबर प्लेट है, साथ में ये शॉकर, हम फ्रंट फोर्क भी बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं फ्रंट फोर्क। फ्रंट फोर्क यहाँ पे अगर आपको लगे कि इस जगह से ऑयल लीक हो रहा है, ये ऑयल यहाँ तक भीगा हुआ है, तो आप ये समझे कि अंदर में जो लगे हुए वाल सील है, रबड़ है, वो कट गया है। अंदर में वाल सील लगा हुआ होता है और इसके अंदर ऑयल भी होता है। वाल सील कट जाने से ऑयल बाहर निकलने लगता है, उसे हम फोर्क ऑयल सील बोलते हैं। हम इसे फोर्क, शॉकर, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। ये इंडिकेटर हो गया, ये हेडलाइट हो गया, अंदर में जो बल्ब होता है उसे हम बोलते हैं हेलोजन बल्ब। अगर वो बल्ब ख़राब हो जाती है तो लाइट नहीं जलेगी। उसमें दो फिलामेंट होता है, अगर उनमें से एक फिलामेंट अगर जल जाती है तो फिर हमारी गाड़ी की लाइट एक ही जलेगी, हाई लो बीम में से कोई एक जलेगा। और साथ में मडगार्ड में जो लगे हुआ ये रेड कलर का, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर बोलते हैं। ये हो गया ब्रेक कैम आगे का, और अंदर में जो है ब्रेक कैम बूश, साथ में व्हील आगे का फ्रंट व्हील। ये मीटर केबल हो गया, दोनों ब्रेक केबल है, एक केबल है पीछे से जुड़ा हुआ, दूसरा केबल है आगे से जुड़ा हुआ। पीछे की ब्रेक हम जब दबाते हैं तो आगे से भी लग जाता है। इनमें से कोई एक केबल है, ये वाला केबल जो ऊपर लगा हुआ है, ये पीछे की ब्रेक से जुड़ा हुआ है। पीछे ब्रेक दबाने से ये आगे वाला दब जाता है, इसे हम एंटी ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं IBS लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये हो गया दोस्तों लेग गार्ड, साथ में टंकी, टंकी का कवर, टंकी का लॉक, साइड पैनल, साइड स्टैंड, ये हो गया गियर लीवर, और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो लगा हुआ है ये सेंसर, ब्रेक साइड स्टैंड का सेंसर। जैसे स्टैंड लगा हुआ रहता हमारा तो वहाँ पे लाइट जल जाती है, अगर ना जले तो आप समझे कि ये सेंसर ख़राब हो गया या फिर इसकी जो सॉकेट तार वगैरह कट चुकी है। इसे हम पीछे का शॉकर बोलते हैं, रियर शॉकर। ये हो गया लेडीज फुटरेस, साड़ी जाल इसे हम बोलते हैं, साड़ी जाल, इसे हम फुटरेस बोलेंगे डायरेक्ट। दोस्तों आप ये ना सोचे कि सिर्फ कासिम भाई सिर्फ नाम बता रहे हैं, मैं तो नाम के साथ साथ उसका काम भी बताऊंगा। अगर वो ख़राब है तो कैसे पता लगाएं कि ख़राब है? मान के चलो शॉकर ख़राब हो गई तो हमें पता नहीं चल रहा कि शॉकर ख़राब है या नहीं है। शॉकर ख़राब है या नहीं है दो तरीके से पता लगा सकते हैं। एक तरीका ये है, अगर इसका वाल सील लीकेज कर जाता है, जैसे आगे ऑयल लीक करेगा और गंदा हो जाएगा, उसी तरीके से पीछे भी ये गंदा हो जाएगा। ये शॉकर अगर लीक कर जाता है तो ये पूरा यहाँ से गंदा हो जाएगा और पीछे से बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है शॉकर। अगर दो या तीन सवारी बैठाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये जंप करती है, और जब गाड़ी गड्ढे में जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी, खटाक से आवाज़ करती है। तो शॉकर ख़राब है या नहीं तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। शॉकर के अंदर नीचे बुश लगा हुआ होता है, बुश अगर कट जाती है, इसका रबड़ कट जाती है, तो ये जब गाड़ी चलाएंगे आप सीधा थोड़ा छोटा छोटा गड्ढा में अगर गाड़ी जाती है तो उस टाइम में इस तरीके से महसूस होगा, खटखट जैसा आवाज़ करेगा, ठीक है। और आगे शॉकर का अगर वाल ऑयल कम है तो ज़्यादा गड्ढा में अगर हमारी गाड़ी जाती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी, ज़ोर से आवाज़ करेगी। हैंडल अगर लूज है तो छोटे छोटे गड्ढे में अगर गाड़ी जाती है तो उस टाइम में हैंडल हज टाइप का लगता है, हल्का हल्का इस तरीके से महसूस होगा। अगर आप यहाँ पे उंगली रखेंगे, गाड़ी चलाएंगे एक हाथ से पकड़ के, तो यहाँ पे इस जगह से वाइब्रेशन महसूस होगा इस जगह से, तो इसका बॉल रेसर लूज हो जाने से तो ये आवाज़ आने लगती है। उसे टाइट करवा लें या फिर बॉल रेसर चेंज करा लें। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाया था, जो मोटरसाइकिल की जो गैरेज होती है, बाइक स्पेयर पार्ट्स वर्कशॉप के बनने के विषय में मैंने वीडियो डाला था। उनमें से बहुत सारे भाई हमें कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर आप स्पेयर पार्ट्स की एक लिस्ट बनाइए और हमें बताइए, जो रनिंग आइटम होता है उसका लिस्ट बना के आप हमें बताएं। तो मैंने वो भी लिस्ट तैयार कर लिया है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैं उस लिस्ट को पढ़ के भी डायरेक्ट आपको बताऊँगा।
या फिर ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं इसके हिसाब से भी आपको पता लग जाएगी कि उस लिस्ट के हिसाब से, और फिर जो इस स्पेयर पार्ट्स का मैं आपको नाम बताऊंगा उनके हिसाब से कौन सा पार्ट्स है वो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक दूंगा, जो हमारा वेबसाइट है kasimauto.com, उस वेबसाइट पे मैंने इसका PDF फाइल दिया है, वहाँ से आप चाहे डाउनलोड कर लीजिए या फिर अगर मुझे लगता है कि इस बेहतर यही होगा कि मेरे वेबसाइट के जरिए से आप डाउनलोड कर लें, बेहतर यही होगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगी। तो ये भी दोस्तों आपके लिए मैंने तैयार कर लिया, कल ही रात में मैंने बहुत 2 घंटा तक करीब मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने अपने हिसाब से लिखा है। रनिंग आइटम जितने भी होती है, जितना भी स्पेयर पार्ट्स से रोज़ बिकने वाला है, वो सभी स्पेयर पार्ट्स मैंने लिखा है, तो उसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन, आप समझ रहे हैं बहुत सारे भाई को पता नहीं चलता कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मैं नंबर भी देता हूँ, साथ में अपना gmail ID भी देता हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। मैं अपना इंस्टाग्राम का ID डालता हूँ, इंस्टाग्राम भी ID हमारा इसी नाम से होता है, kasimauto। उस नाम को अगर इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ID मिल जाएगी, वहाँ पे उसे भी आप फॉलो कर लें। मैंने आपको शॉकर का बता दिया और यहाँ पे चैन कवर के साथ साथ आपको ये बोल्ट मिलता है, ये 23 नंबर का जो नट है, इसे हम हाफ एक्सेल बोलते हैं, छोटा सा इतना बड़ा एक्सेल होता है, हो सकता है मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये इतना बड़ा एक्सेल होता है, वो एक्सेल का काम है इसका जो चैन स्पॉकेट है पीछे का, उसको रोक के रखना, उसे अपने कवर में रखना। और ये जो देख पा रहे हैं ये होता है चैन चाबी, इसके जरिए से हम चैन को टाइट करते हैं। और यहाँ पे नट लगाने का, चैन चाबी का काम ये भी होता है कि अगर चैन चक्का लूज हो जाए तो इसके जरिए से आगे पीछे ना हो या फिर चक्का एक साइड ना हो, इसके जरिए से ये पकड़ के रखता है दोनों तरफ से, तो इसे हम चैन चाबी बोलते हैं। अंदर में हाफ एक्सल हो गया, साथ में ये मैन एक्सल है चक्का का जो एक्सल है। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पीछे बैग लाइट शीशा लगा हुआ है, बैग लाइट बल्ब लगा हुआ है अंदर में, और पीछे भी एक रिफ्लेक्टर होता है, इसका भी यही काम है। अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उन्हें ये लगेगा कि नहीं आगे एक गाड़ी खड़ी है या फिर गाड़ी चल रही है, अगर ब्रेक नहीं दबाते हैं तो भी ये लाइट को बढ़ावा देता है। पीछे का हम इसे मडगार्ड बोलते हैं, पीछे रियर मडगार्ड। साथ में दोस्तों इसके अंदर जो लगा हुआ है, मैं आपको बेयरिंग भी बताऊंगा कि इस गाड़ियों में जो बेयरिंग लगा हुआ है दोनों चक्का में कितना नंबर का बेयरिंग लगा हुआ है। उस साइड में जो मैंने आपको चैन स्पॉकेट बताया, चैन स्पॉकेट में जो बेयरिंग होता है वो 63-062-03 होता है, और इस चक्का में जो बेयरिंग होता है, दो बेयरिंग, उसे हम 62-03 बोलते हैं, 62-03 नंबर का बेयरिंग होता है। इसे भी हम वही कैम ब्रेक कैम बोलेंगे, इसे ब्रेक टाना रड बोलेंगे, और नीचे अगर उस साइड में अगर देखेंगे वो वाला, तो उसे हम टाना रड ही बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्रेक रड और उसे हम बोलेंगे टाना रड। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेक पैडल हो गया, ब्रेक पैडल है, ये किक शाफ्ट है, ये किक हो गया जो हम किक के मदद से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। क्लच अगर लूज हो जाता है तो क्लच की एडजस्टिंग आप यहां से कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये पैनल खोलना पड़ेगा और यहां दो बोल्ट मिलेगी, वो दोनों बोल्ट नट को आप एडजस्टिंग करके क्लच को टाइट कर सकते हैं। ये क्लच योग है, क्लच के जरिए से हम इसी के जरिए से क्लच अंदर का दबता है। ये डबल स्टैंड हम बोलते हैं या फिर सेंटर स्टैंड भी बोल सकते हैं, इसे दोस्तों हम सस्पेंशन बोलते हैं। ये सस्पेंशन जंप जो करता है, यहाँ पे एक सस्पेंशन बूश लगता है, ये बूश अगर कट जाती है, अगर वो लूज हो जाएगी तो ये जो सस्पेंशन है ये साइड प्ले हो जाता है, और साइड प्ले होने के बाद गाड़ी जब हम चलाएंगे तो वो लहग टाइप का मारेगा, ऐसा लगेगा कि गाड़ी पंचर हो गई, बार बार लहग मारता है। और अगर पीछे का शॉकर भी ख़राब हो जाता है तो उसके वजह से भी गाड़ी लहग मारेगी। दोस्तों अगर BS4 या BS3 बाइक आपके पास होगी जिसमें कार्बोरेटर होता है, तो यहाँ पे एक पेट्रोल टी लगा हुआ होता है, जिसे हम पेट्रोल को ऑन या ऑफ करते हैं, मेन रिजर्व करते हैं, वो लगा हुआ होता है। लेकिन अब BS6 में वो चीज़ें नहीं रहा, वो ख़त्म कर दिया, और डायरेक्ट यहाँ से इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ, उसी के जरिए से पेट्रोल का सप्लाई होता है। यहाँ पे BS3 BS4 में कार्बोरेटर होता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्बोरेटर होता है। और साथ में अब क्या है इसमें, यहाँ पर सिर्फ थ्रोटल है, थ्रोटल बॉडी है यहाँ पर, इसको हम हाउस पाइप बोलते हैं। इस गाड़ी में जो बैटरी लगा हुआ है वो 4LV का होता है, जो होंडा शाइन, स्प्लेंडर, पैशन या ड्रीम होगा, ये सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, ये सभी बाइक में, होंडा शाइन वगैरह में, सभी में ये बैटरी लग जाती है, 4LV बैटरी का नंबर होता है, नाम होता है, आप चाहे तो किसी कंपनी में ले सकते हैं। मीटर में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ मीटर बता दिया था। यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर मिलेगी, फ्यूल मीटर जो पेट्रोल कितना इस टंकी में वो बताता है, साथ में ये जो है ये स्पीड मीटर है, रनिंग मीटर हम बोलते हैं।
और साथ में ये इंडिकेटर, ये साइड स्टैंड का सिंबल है, इसे हम माल फंक्शन लाइट बोलते हैं या फिर चेक इंजन लाइट बोलते हैं। ये न्यूट्रल लाइट हो गया, न्यूट्रल लाइट हो गया, ये पासिंग लाइट का सिंबल हो गया। पासिंग लाइट दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस बाइक में पासिंग लाइट का कोई भी बटन नहीं दिया गया है, लेकिन हम पासिंग लाइट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ये देखिए इस बटन को हम जब दबाएंगे तो ये पासिंग लाइट का काम करता है। तो पासिंग लाइट इस तरीके से काम करता है, और पहले की जो बाइक आती थी पासिंग लाइट का बटन यहाँ पे होता था, और इसमें पासिंग लाइट का ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस बाइक के अंदर जो चैन स्पॉकेट होता है वो चाहे तो पीछे का जो स्पॉकेट होगा 42T का होगा या फिर 44T का होगा, मेरे ख्याल से 44T का होगा इस गाड़ी में, मुझे याद नहीं है। और आगे जो होता है, आगे होता है 14 या फिर 13T का होगा चैन स्पॉकेट। आगे अगर हम बेरिंग की बात करें तो आगे भी बेरिंग 63-01 ही लगता है, दो बेरिंग आगे और दो बेरिंग पीछे 63-01, यानी चार बेरिंग 63-01 है और पीछे एक 62-03 है जो स्पॉकेट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो एक बेरिंग लगेगा। पांच बेरिंग है बाहरी, बाकी इंजन के अंदर जितना भी बेरिंग है वो मैं आपको बाहर से डायरेक्ट नहीं बता पाऊँगा। मोटरसाइकिल के अंदर जितने भी स्टार्टर लगा हुआ होता है इसे हम सेल्फ बोलते हैं, इसे सेल्फ स्टार्टर बोलते हैं, और अंदर में एक कार्बन लगा हुआ है, अगर वो कार्बन ख़राब हो जाती है तो आपकी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। जैसे हम स्विच को ऑन करके हम सेल्फ दबाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ लाइट जो है वो दबेगी या फिर नहीं दबेगी, ऐसा भी महसूस हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो सेल्फ का जो कार्बन है उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। पीछे ब्रेक के साथ भी एक स्विच लगा हुआ होता है जिसे ये इस ब्रेक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। बहुत सारे भाई मैं देखता हूँ जब हमारे दुकानों पर आते हैं और उसके इस ये स्प्रिंग लगा हुआ नहीं होता है तो वो कहते हैं यार ये स्प्रिंग लगा दो, ब्रेक मेरा ठीक से लगता नहीं है। तो दरअसल ये स्प्रिंग जो होता है ये ब्रेक के लिए नहीं होता, ये सिर्फ ब्रेक लाइट बल्ब जलाने के लिए होता है। यहाँ पर आपको स्विच मिलेगी, ये स्विच है और ये इसके ज़रिए से ब्रेक लाइट बल्ब जलता है। और अगर ब्रेक का जो स्प्रिंग की बात करें तो ब्रेक स्प्रिंग यहाँ पे होता है, वो आप ये है पीछे का ब्रेक स्प्रिंग। साथ में इसके अंदर एयर फिल्टर लगा हुआ था, एयर फिल्टर अगर जाम कर जाता है तो माइलेज नहीं मिलेगी, आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देगी और साथ में गाड़ी की जो पिकअप वो डाउन कर जाएगी। तो एयर फिल्टर यहाँ पे होता है, एयर फिल्टर अब जितने भी बाइक्स आने लगी हैं तो सभी में ऑयल से भींगा हुआ होता है, और 10,000-8,000 किलोमीटर पर आप उसको चेंज कर दीजिए, वो बिल्कुल सफाई नहीं होता है। इस तरह की गाड़ियों में जो टायर लगा हुआ होता है उसका नंबर होता है 80-118 और 54 प्लाई का नंबर होता है, 54 प्लाई होता है पीछे और आगे होता है 47 प्लाई, दोनों का नंबर वही है 80-118 और 47 प्लाई आगे होगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि हमारे जो YouTube में सब्सक्राइबर है, हमारे YouTube चैनल में जो सब्सक्राइबर भाई है, वो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कस्टमर के तौर पर हैं और उन्हें ये नहीं पता रहता कि इसका नाम क्या है। और ये खास करके मैं इस वीडियो का मकसद ये भी समझता हूँ कि मैंने जो स्पेयर पार्ट्स का जो लिस्ट रखा है, जो नए कस्टमर भाई अपना वर्कशॉप डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी जानकारी हो जाएगी कि ये स्पेयर पार्ट्स क्या होता है, उसका नाम के ज़रिए से स्पेयर पार्ट्स की भी पहचान हो जाएगी। साथ में मैं आपको इंजन की जानकारी दे दूँ, इंजन तो मैंने अभी तक खोला नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बाहर से बता दूँ, अगर कोई भी चीज़ आवाज़ करती है जैसे कि यहाँ से आवाज़ करेगी, इस साइड से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इस साइड में अगर झरझर जैसा आवाज़ होता है तो वो टाइमिंग चेन का आवाज़ होता है, और वो टाइमिंग चेन बहुत ही इतना बड़ा होता है, टाइमिंग चेन बदलने से वो आवाज़ सही हो जाती है। उसके साथ में रोलर वगैरह भी होता है, और उसको अगर वहाँ से छोटा सा आवाज़ करे, टेक 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 जैसा आवाज़ करे तो वो टैपिट का आवाज़ होता है, और टैपिट का आवाज़ हमें टाइमिंग चेन को टाइमिंग चेन का टाइमिंग मिला के हमें सेटिंग करना पड़ता है। तो और अगर उस साइड में अगर क्लच की बात करें तो क्लच प्लेट जो है, गाड़ी जब हम गाड़ी को चलाएंगे तो गाड़ी को चलाएंगे और गाड़ी सही से भगेगी नहीं और पिकअप डाउन करेगी तो उस टाइम में हमें क्लच प्लेट को चेंज करना पड़ता है। और क्लच प्लेट अगर कुछ ज़्यादा अगर ख़राब हो जाती है तो क्लच प्लेट के साथ साथ क्लच प्लेट, क्लच सेंटर, क्लच हब या फिर प्रेशर प्लेट भी आपको बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर गाड़ी आपकी धुआं मारती है, पीछे से सिलेंडर की जरिए से धुआं मारता है तो इसके लिए हमें हेड सिलेंडर का काम करना पड़ता है। सिलेंडर ब्लॉक में जो रिंग पिस्टन होता है वो रिंग पिस्टन ख़राब हो जाने की वजह से गाड़ी हमारी धुआं मारने लगती है, उसे हम बोलते हैं रिंग पिस्टन। चाहे तो अगर आपकी गाड़ी पहली बार धुआं मारती है तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ रिंग पिस्टन का काम कराना होगा, हाफ इंजन का काम कराना होगा। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं मार रही, पहले से धुआं मार रही, इंजन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसके वजह से आपको पूरा इंजन का काम करना पड़ेगा,
और पूरा इंजन काम करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स इसमें डलना होता है। तो इंजन के बाद दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा, इंजन पे फिर से अगर मैं किसी भी गाड़ी का अगर खोलूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो इंजन का जो पार्ट्स है उसका नाम क्या है और वो पार्ट्स कैसे काम करता है। सारे पार्ट्स के मैं अलग अलग आपको नाम बताऊँगा और उसका काम भी बताऊँगा। तो इस वीडियो में मैंने बस इतना ही बताया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको बताया कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ फाइल रखा है, स्पेयर पार्ट्स का सारा नाम मैंने रखा है, सारा नाम का लिस्ट मैंने डाल दिया है एक पीडीएफ फाइल बना के, उसे आप डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर इनमें से कुछ भी बातें अगर रह चुकी है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा या फिर मैं आपको बताऊँगा, उसका नाम बताऊँगा, उसका काम भी बताऊँगा।